शंभूनगर, शिवनगर, वांजरी, यशोदरा और बहुत सारे एरिए एक साथ यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एनएनटीवी। जिस चीज़ का डर था वही हो गई। एनएनटीवी लगातार पूरे नागपुर शहर के हालात से नागपुर महानगरपालिका और महाराष्ट्र की सरकार को अवगत कराता रहा है, लेकिन इस ओर किसी भी किस्म का काम नागपुर महानगरपालिका या महाराष्ट्र सरकार का नज़र नहीं आया। लगातार गली कूचों में और जो सरकारी नाले होते हैं वहाँ पर जो गंदगी का आलम था, जो कचरे का आलम था, जिसकी वजह से पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो रही है। और आज उत्तर नागपुर पानी में डूबता हुआ आप साफ देख सकते हैं वीडियो में। इस तरह का पूरा नज़ारा हर जगह आपको उत्तर नागपुर के छोटे छोटे एरिए में नज़र आएगा, गुलशन नगर हो, यशोदरा हो और बहुत सारे एरिए हो। तो जिस तरह से एनएनटीवी ने लगातार अवगत कराया है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसका भुगतान आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कि आप हमारी राय से सहमत हैं? इस बुरे वक्त में तमाम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके साथ एनएनटीवी और हमारी पूरी टीम है। आपके लिए जो कुछ भी हो सकेगा हम आमदार से, खासदार से, पूर्व नगर सेवकों से लगातार बात करने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल अगर कोई भी इमरजेंसी आपको आती है तो दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करके हमें बताएं, अवगत कराएं। और अगर प्रशासन से कोई किसी भी तरह की आपकी मदद की जो भी स्कीमें हैं उसे भी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे, पटवारी से, कलेक्टर से, तहसीलदार से बात करने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहे एनएनटीवी के साथ। इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो हमारे पेज को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।